बरसों के लंबे इंतजार के बाद स्कॉर्पियन सीरीज की पहली पनडुब्बी कल वरी 14 दिसंबर यानी कि कल भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रही है, जिसके बाद भारत की नज़र समुद्र में और भी गहरी हो जाएगी। खबरों की माने तो ये हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगी। कलवरी के नौसेना में शामिल किए जाने के मौके पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार कलवरी अपनी तरह की पहली स्वदेशी पनडुब्बी है, जिसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। कलवरी को देश में रक्षा उत्पादन की दिशा में एक कीर्तिमान माना जा रहा है। कलवरी स्कॉर्पियन श्रेणी की इस पहली पनडुब्बी की खासियत ये है कि ये एक विध्वंसक है, जो समुद्र में होने वाली आतंकी गतिविधियों का पता लगाकर उसे तबाह करने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं बल्कि ये पनडुब्बी परमाणु हथियार से भी लैस होगी। वैसे आपको बता दें कि 1999 में भारत में पनडुब्बियां बनाने की योजना तैयार की गई थी। इसके तहत 2029 तक 24 पनडुब्बियां बनाने की योजना है। इसके पहले प्रोजेक्ट P-75 के तहत स्कॉर्पियन सीरीज की 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।